मटेरियल दो दो तीन तीन बार हमने पढ़ाया, लाइव किया, एक बार रिकॉर्डेड किया, और खैर वो चलो छोड़ो, बाद का विषय, अब क्या कर सकते हो उसको तो। पर अब देखिए कौन सी पोस्ट, कौन सी परीक्षाएं आने वाली है, कितने पद आ रहे हैं कुल भर्तियों के। तो देखिए हमारे पवन सर और विशाल सर ने बहुत मेहनत करी और एक पूरा एक मैप बना दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इतनी सारी वैकेंसीज आने वाली है एमपी के अंदर। मैं आपको ईमानदारी से बोलूंगा सिर्फ इतनी वैकेंसी आएगी, कुछ लोग आपको गोलगप्पा खिलाएंगे 3000 वैकेंसी आएगी, 17000 आएगी, 18000 आएगी, बेवकूफ बना रहे हैं, है ना, तो उनके चक्कर में मत रहना। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, जितने पद खाली होंगे उतने ही तो भरे जाएंगे। किसी स्कूल में 30 सीटें हैं तो 50 लोगों को कैसे बिठा सकते हो आप? तो जितनी सीटें हैं उतनी ही लोगों को बिठाया जा सकता है, ध्यान रखना इतनी सीटें हैं। या आरक्षक है यानी कि कॉन्स्टेबल, इसमें 7500 पद खाली हैं, कितनी आ सकती है वैकेंसी कोई नहीं जान सकता। समझ में आ गया, इतने पद खाली हैं। अब वो उसमें से कितने भरे डिपेंड करता है उनके ऊपर। उप निरीक्षक, ये जो एसआई है आपका, ये जेल का है, जेल एसआई, इसमें 26 से ज्यादा पद आने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो बिल्कुल एक ही तरफ फोकस ना हो जाए हम कि हमें बस यही करना है, है ना, हमारा लक्ष्य यही है, हम तो ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, मूर्ख है वो व्यक्ति। आप सुधर जाओ, समय है आपके पास, ये इतनी सारी वैकेंसीज हैं जिनका डेटा जारी हुआ है, चुनाव अगले साल है, सुधर जाओ, नौकरी मिल जाएगी, वरना पढ़ते रह जाओगे। समझ में आ गया। यह उप निरीक्षक, ये फिर से एसआई है आपका, आबकारी का, इसमें 53 से ज्यादा पद आने वाले हैं। आबकारी आरक्षक, ये कांस्टेबल है आबकारी में, 200 पद हैं खाली। पटवारी 1638, तो ये 5000 7000 8000, कई स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, ये फर्जी वर्जी चक्करों में मत पड़ो, पटवारी के सिर्फ इतने पद खाली हैं तो इतने ही आ सकते हैं। फॉरेस्ट वन रक्षक के 1300 से ज्यादा पद आ सकते हैं, फिक्स डेटा थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा। ये समूह 2 उप समूह 4 200, और ये उपनिरीक्षक, ये जो एमपीएसआई है जिसको एमपीएसआई आप कहते हैं, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, उसके अभी डेटा उन्होंने बताया नहीं है आंकड़े कि कितने वैकेंसीज आ सकती है। तो ये वो डेटा है जो हमारी टीम ने, आपके टीचर्स ने मिलके काउंट करके टोटल इकट्ठा किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि कितनी वैकेंसीज आने वाली है आपकी। ठीक है, नए कोर्स कब आ रहे हैं जिससे हम भी तैयारी कर सकें। तो देखिए हम दोबारा से स्टूडेंट के इतने मैसेजेस आए हैं, मैं आपको बता दूं तो शायद आप सुबह से शाम तक थक जाओगे, इतने मैसेजेस आए हैं वो घुमा घुमा के। इतने लोगों ने अब आगे तैयारी करने का सोचा है क्योंकि वो हो नहीं पाया बेचारा उन लोगों का। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट ने अलग अलग डिमांड करी है, तो हम बहुत सारे कोर्सेज लेके आए हैं, व्यापम फाउंडेशन लेके आए हैं, मात्र 599 में। मध्य प्रदेश की कोई भी एग्जाम हो, सब की तैयारी आप 599 में कर सकते हो। आपको पता ही है पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम फीस हमारी ही होती है, और दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी परफेक्शन अकेडमी ही देता है, है ना, तो ये चलो ठीक है, ये तो खैर अब क्या कर सकते हैं इसका। पर सबसे कम फीस में सबसे बड़ा बैच है पूरे मध्य प्रदेश की, सारी एग्जाम के लिए नया बैच लाइव शुरू हो रहा है 1 तारीख से, आज हो रही है आपकी 20 तारीख, 28 तारीख से शुरू हो रहा है ना, ये आ रहा है नया। उसके बाद आपका कांस्टेबल का भी नया बैच शुरू कर रहे हैं अपन, बहुत सारे बैचेस नए हैं, पटवारी का नया, एमपीएसआई 3.0 है, नया बैच है ना, मध्य प्रदेश पटवारी 3.0 है, कांस्टेबल 2.0 है, ध्यान रखना है 2023 के लिए, ये इस तरीके से पोस्टर्स हैं आपको दिखेंगे उसमें। वन रक्षक का 2.0 नया बैच, एकदम शुरू होंगे बिल्कुल जीरो से, और ये रिकॉर्डेड बैच है आबकारी आरक्षक का, ये आपको अभी एक आध घंटे बाद दिखने लगेगा आपको ऐप में। ठीक है, तो जो नई तरीके से शुरुआत करना चाह रहा है ये उनके लिए है।